काली मिर्च को तमाम मसाला जात की मलका कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल जिस्मानी सेहत पर हैरत अंगेज असरात मुरतब करता है। कुछ ममालिक में काली मिर्च को इसके तिब्बी फवायद की वजह से काला खजाना भी कहा जाता है। काली मिर्च को सैकड़ों सालों से बतौर मसाला दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी पकवान ऐसा नहीं है जिसका जायका खुशगवार बनाने के लिए काली मिर्च को इस्तेमाल न किया जाता हो। सुर्ख मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल आमतौर पर मैदे के मरीजों के लिए सेहतमंद साबित नहीं होता, इसलिए डॉक्टर हजरात की जानिब से ऐसे मरीजों को मशवरा दिया जाता है कि वो खानों में सुर्ख मिर्च की बजाय काली मिर्च इस्तेमाल करें। काली मिर्च में बहुत से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इन विटामिन में विटामिन ए, ई, के, B1, B2, B5 और B6 शामिल हैं। इसके अलावा काली मिर्च में मैगनीज, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सेलेनियम, जिंक और क्रोमियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये मसाला मैगनीज हासिल करने का बेहतरीन जरिया है जो कि हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म में बेहतरी लाता है। इसके साथ साथ काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स और फेनोलिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो कि हाजमा के निजाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। काली मिर्च में प्रोटीन, फैट, शुगर और कोलेस्ट्रोल जैसे अज्जा नहीं पाए जाते जिसकी वजह से इसकी तिब्बी अफादियत में इजाफा होता है। काली मिर्च को अपने खानों का हिस्सा बनाकर अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बेशुमार फायदे हासिल किए जा सकते हैं, जिनमें से सिर्फ 5 फवायद का जिक्र हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। नंबर 1, हाजमा के निजाम में बेहतरी। काली मिर्च में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हाजमा के निजाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर काली मिर्च को खानों में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो हाजमा के निजाम को कम वक्त में बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा तिब्बी तहकीकात के मुताबिक भी काली मिर्च के इस्तेमाल से हाजमा के निजाम में बेहतरी आती है। इस मसाले में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिनकी वजह से मैदे की गैस को खत्म करने में मदद मिलती है, इसलिए काली मिर्च को गैस का मुअस्सर इलाज भी समझा जाता है। काली मिर्च के इस्तेमाल से पेट दर्द से भी निजात हासिल की जा सकती है। सुर्ख मिर्च की जगह खानों में काली मिर्च इस्तेमाल करने से पेट का उपहार और गैस दोनों में कमी आएगी। नंबर 2, कैंसर से बचाव में मददगार। काली मिर्च के इस्तेमाल से कैंसर की कई इकसाम से बचा जा सकता है। आमतौर पर कैंसर से मुख्तलिफ इकसाम से बचाव के लिए काली मिर्च को हल्दी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर से बचाव के लिए काली मिर्च और हल्दी को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दूध में काली मिर्च और हल्दी शामिल करके सर्दी से मुतासर अफराद को पिलाने से खांसी और दूसरी मौसमी तिब्बी अलामात में कमी आती है। काली मिर्च और हल्दी में चूंकि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए पाया जाता है जो कि कैंसर जैसी मुहल्लिक बीमारियों से बचाव में मदद फराहम करता है। इसके साथ साथ काली मिर्च और हल्दी जैसे मुफीद मसाला जात को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ अच्छी सेहत को बरकरार रखने में मदद मिलती है बल्कि कई खतरनाक बीमारियों के खतरात भी कम हो जाते हैं। नंबर 3, खांसी और बलगम से निजात। खांसी और बलगम से निजात पाने के लिए भी काली मिर्च का इस्तेमाल निहायत मुफीद साबित होता है। अगर आपको खांसी और बलगम का एक साथ सामना है तो काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल निहायत मुफीद साबित हो सकता है। खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए एक चम्मच शहद को नीम गर्म करके इसके ऊपर चुटकी भर काली मिर्च छिड़के और खा लें। काली मिर्च के इस्तेमाल से बलगम खारिज होना शुरू हो जाएगी और शहद के मुफीद तिब्बी असरात से खांसी की शिद्दत कम होगी। शहद और काली मिर्च को नीम गर्म पानी में शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसी से निजात हासिल करने का एक घरेलू टोटका ये भी है कि लीमू के टुकड़े पर काली मिर्च छिड़क कर इसे ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए चूसें, इससे खांसी की शिद्दत में कमी आएगी। नंबर 4, कब्ज का खात्मा। काली मिर्च को कब्ज का भी बेहतरीन इलाज समझा जाता है। अक्सर अफराद को जिंदगी में कभी ना कभी इस मसले का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी इस तिब्बी मसले का शिकार हैं तो काली मिर्च के इस्तेमाल से इसकी शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। कब्ज से निजात हासिल करने के लिए आप अपने खानों में थोड़ी सी मिकदार में काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ काली मिर्च के इस्तेमाल से बड़ी आंत के कैंसर से भी बचा जा सकता है, जबकि इसका इस्तेमाल इसहाल और कई दूसरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। तहम काली मिर्च को अगर
अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए इसे मतवाजन मिकदार में ही इस्तेमाल करें। नंबर 5, जल्द के लिए मुफीद। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स और जरासीम कुछ खसूसियात पाई जाती हैं जो कि जल्द को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती है। काली मिर्च में पाई जाने वाली खसूसियात जल्द में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने में मदद फराहम करती है। इसके अलावा काली मिर्च के इस्तेमाल से जल्द के बंद मसाम भी खुलते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने शिराज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे।